नमो। आज का प्रश्न है एक सज्जन का, उरु और उरु में क्या अंतर है? तो आइए इस पर एक लघु चर्चा हो जाए। दोनों शब्द संस्कृत भाषा के हैं। उरु का अर्थ है विशाल अथवा बड़ा, और उरु जिसमें ह्रस्व उकार है उसी का स्त्रीलिंग में वैकल्पिक रूप बनता है उर्वी। उर्वी का अर्थ है पृथ्वी, और उर्वी सहस्रनामों में देवी का भी नाम है। लक्ष्मी सहस्रनाम में लक्ष्मी का एक नाम है उर्वी। और जो बड़े ऊ अथवा दीर्घ ऊकार वाला शब्द है, प्रारंभ में जिसमें दीर्घ ऊकार है, ऊरु। ऊरु का अर्थ है जिसे हिंदी में हम कहते हैं जांग, जो आपके कटिभाग से नीचे और घुटने से ऊपर का जो प्रदेश है शरीर में उसे हम हिंदी में जांग कहते हैं, और संस्कृत में उसके लिए शब्द है ऊरु, इंग्लिश में थाई। और यद्यपि जो जांग शब्द हिंदी का है ये संस्कृत के जंघा शब्द से आया है, और संस्कृत में जंघा का अर्थ है पिंडली, जो घुटने से नीचे और पैर के ऊपर का भाग है उसे संस्कृत में जंघा कहते हैं। हिंदी में जांग जिसे कहते हैं वो कटिभाग से लेकर लंक से लेकर घुटने तक का जो भाग है पैर का उसे ऊरु कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं जांग। तो यह है उरु और उरु का अंतर। जो भास का नाटक है उसका नाम है उरुभंगम। उरुभंगम जो भीमसेन ने दुर्योधन के उरु का भंग किया था, दुर्योधन की जांघ का भंग किया था अपनी गदा के प्रहार से, तो उस पर नाटक है इसलिए उसका नाम है उरुभंगम। और उरु उर्वी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, जो यहां महाराष्ट्र में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वह है राम रक्षा स्तोत्र, जो गीता प्रेस का आपने प्रकाशन देखा होगा। तो इसमें दोनों शब्द आए हैं। इसमें उरु ह्रस्व उकार वाला, पहले ह्रस्व उकार वाला उरु शब्द भी है और पहले दीर्घ उकार वाला उरु शब्द भी है। तो उरु शब्द कहाँ आया है? इसके ध्यान श्लोक में, ध्याये दाजान बाहुम धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमल दल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम दहतम उरुजटा मंडलम रामचंद्रम। तो ये दधतम उरुजटा मंडलम रामचंद्रम, मैं उन रामचंद्र का ध्यान करना चाहिए जिन्होंने विशाल जटा का मंडल धारण किया है। दधतम उरु जटा मंडलम। तो गीता प्रेस ने अर्थ लिखा है विशाल जटा जूट धारी श्री रामचंद्र का ध्यान करें। ये देखिए, विशाल जटा जूट धारी श्री रामचंद्र का ध्यान करें। और उरु शब्द कहाँ आता है? जो इसी में आगे श्लोक है, सुग्रीवेशः कटीपातु सक्थिनी हनुमत प्रभु ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुल विनाशकृत। तो ऊरुओं की, जांघों की, राक्षसों के कुल का विनाश करने वाले रक्षा करें, रघुत्तम श्री राम रक्षा करें। यहां दो शब्द हैं सक्थी और ऊरु। जो श्लोक है, सुग्रीवेश कटी पातु सक्थिनी हनुमत प्रभु, तो कटी तो हुआ नितंब, ऐसे हिंदी में कटी लंक के लिए, कमर के लिए प्रयोग होता है, परंतु संस्कृत में कटी का अर्थ है नितंब। इसीलिए द्विवचन में सुग्रीवेश कटी पातु द्विवचन में द्वितीया विभक्ति का रूप है। और सक्थी, सक्थी का अर्थ भी जांघ ही है, जो कटिभाग से लेकर घुटने तक का भाग है। तो यहाँ सक्थी का भी प्रयोग है और ऊरु का भी प्रयोग है, तो ऐसा समझना चाहिए, एक जो आगे की ओर है और एक पीछे की ओर है, तो ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। दोनों का अर्थ यद्यपि थाई अथवा जांग है, परंतु एक आगे का भाग और एक पीछे का भाग ऐसा समझ के हम इसको सक्थिनी हनुमत प्रभु उरु रघुत्तम पातु इसका अर्थ कर सकते हैं। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र में उरु और उरु दोनों शब्दों का प्रयोग है, और ये इन दोनों शब्दों का भेद है। नमो वा।